अमेरिका का बाइडेन प्रशासन ईरान के साथ परमाणु समझौते पर दोबारा बातचीत की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की राजनीतिक पत्रिका पॉलिटिको के अनुसार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने बताया है कि ईरान के साथ इस हफ्ते परमाणु समझौते पर दोबारा बातचीत शुरू करने के लिए प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा है। इसके अनुसार ईरान को कुछ परमाणु गतिविधियां रोकने का प्रस्ताव दिया जाएगा और इसके बदले ईरान पर से अमेरिका कुछ आर्थिक प्रतिबंध हटाएगा। इस प्रस्ताव को हालांकि अंतिम रूप दिया जाना अभी बाकी है। अमेरिका में जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से एक बार फिर ईरान परमाणु समझौते पर चर्चा तेज हो गई है। कई मुद्दों पर तनाव के बीच जहां ईरान सख्त रुख अपनाए हुए है, तो वहीं अमेरिका ने एक बार फिर कहा है कि वो ईरान के साथ बातचीत करने को तैयार है। जो बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में कहा था कि ईरान के साथ 2015 के परमाणु समझौते को लेकर बातचीत करने के लिए अमेरिका तैयार है, लेकिन ईरान ने समझौते को लेकर अमेरिका और दूसरे भागीदारों के साथ बैठक में शामिल होने के यूरोपियन यूनियन के आमंत्रण को ठुकरा दिया था। अमेरिकी प्रशासन के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि वार्ता में शामिल नहीं होने के फैसले से अमेरिका निराश था, लेकिन वो वार्ता के प्रारूप और ढांचे को लेकर लचीला रुख अपना रहा है और राजनयिक प्रक्रिया के तहत यूरोपियन यूनियन के आमंत्रण को ठुकराने के ईरान के फैसले पर भी गौर करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका इस दिशा में आगे के कदम को लेकर दूसरे सहयोगी देशों ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूरोपियन यूनियन के साथ विचार विमर्श करना चाहता है। आपको बता दें कि ईरान ने हाल ही में इस बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ईरान ने ये कहते हुए प्रस्ताव को खारिज किया था कि बैठक के लिए ये समय सही नहीं है। उस समय राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका ईरान के साथ हुए समझौते में फिर से शामिल होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2018 में समझौते से अमेरिका के बाहर होने का ऐलान किया था। ईरान अपनी इस मांग पर अडिग है कि वो ट्रंप के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से कम किसी भी चीज़ पर राजी नहीं होगा। तो वहीं बाइडेन प्रशासन 2015 के परमाणु समझौते को फिर से पटरी पर लाना चाहता है, लेकिन तेहरान से उम्मीद के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है।